गिफ्ट है, तू मेरे पास आकर खुश तो है ना? चल आज मैं तुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलता हूँ। गड्डी पुत्र ये खेलने का वक्त है करण। नो सर। ऑफिस कब आओगे? तुम जानते हो ना आज ऑफिस में कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई नो सर। हाउ डू यू नो? How do you know? I know. I am the boss. I will tell you. And I am telling you कि आज बहुत important meeting है. और अगर तुम meeting में time पर नहीं पहुँचे ना, तो office के बाहर watchman बनाकर बिठाऊंगा. Boss. पिया. सपने में भी boss? पिया वो actually. टली अंकल तो अपनी wife के सपनों में भी नहीं आते हैं. और तुम? अभी शादी को पूरा एक साल भी नहीं हुआ. सपनों से भी गायब हो गई। नो नो स्वीटहार्ट, नॉर्मली तुम ही मेरे सपनों में आती हो। नॉर्मली मतलब स्पेशली नहीं? इज आई एम नो मोर स्पेशल फॉर यू। नो बेबी यू आर। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, इसलिए बॉस रिमाइंड कराने के लिए आ गए। दैट्स इट। अरे सज पिया यू नो ना आई लव यू। देन शो मी। शो मैं अभी शोरूम पहुंचकर तुम्हें एक आई लव यू वाला कार्ड और एक बुके भिजवाता हूं। ओके अभी ऑफिस जा वरना मेरे बॉस से तुम्हारे प्यारे अंकल मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव से वॉचमैन बना देंगे। अच्छा सुनो शाम को घर जल्दी आना, आज पापा का 50th बर्थडे है ना। याद है। मैं फटाफट उनके लिए कच्चे कद्दू का केक बना लेती हूं। ओके 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 ऑसम फैंटास्टिक। ओके कच्चे कद्दू का केक। बालों ने धोखा दे दिया हो जा साहब, वरना आज भी वही 25 साल पुरानी बात है। मैं कह नहीं सकता कि आज मैं 50 का हो गया। अरे ए किपे चलिए सोनिए। आपको कैसे पता चला जी कि मैं आई हूँ? कमाल है, इतने सालों का साथ है, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, धड़कनों की आवाज से पहचान लेते हैं। अच्छा ये बताओ आज शाम का क्या प्लान है? आज मुझे ना तिवारी जी के घर जाना है, सत्संग है ना इसलिए। आप चलोगे जी? अरे आज भी? रब मेर करे अगर आज सत्संग है तो आज ही जाऊंगी ना, कल थोड़ी जाऊंगी मैं। अरे पर आज... आपका फोन आ रहा है जी। फोन आ रहा है, फोन लो ना। हेलो ओ काके, नहीं चाहिए लोन, रख फोन, आज मेरा बर्थडे है। अरे कहाँ चली गई? कुछ भी नहीं किया। बच गया, वरना अभी मेरा पास्ता पकौड़ा गिर जाता। थैंक यू गॉड बचा लिया आपने मेरे पास्ता पकौड़े को। पास्ता पकौड़ा? हाँ स्वीटू, ये ना इंडियन इटालियन फ्यूजन है, इसमें जो कड़ी वाले पकौड़े हैं ना मैंने वो डाल के पास्ता को बनाया है और बहुत ही टेस्टी है, स्पेशली पापा जी के लिए बनाया, आज उनका बर्थडे है ना। रब मेर करे तू सबका कितना ख्याल रखती है घर में, है ना?
पुत्र एक काम करना, मेरी तरफ से भी ना, हाँ, पापा जी के लिए गुलाब जामुन लेके आना, ले पुत्र। पर मम्मी जी, आप कुशन में फिर पैसे रखते हैं? हाँ पुत्र, पैसे हमेशा आसपास ही होने चाहिए, ऐसे तेरे पापा जी कहते हैं। हाँ स्वीट। केक बन रहा है। पापा जी, आज मेरे दो ट्रक ना 5 साल के हो गए, तो हम सब ने डिसाइड किया है कि सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तुम लोग कुछ भूल नहीं रहे हो? नहीं पापा जी, मुझे याद है, आज आपकी पॉलिसी का प्रीमियम भरना है। सुमन, तुम्हें कुछ बताना नहीं है बच्चों को? पुत्र ऐसा है कि ना टमाटर अब 50 के हो गए। सुमन, हाँ बच्चों के सामने तुम ये टमाटर टमाटर बोल रही हो? रब मेर करे, अब टमाटर को टमाटर ही बोलूंगी ना, कद्दू थोड़ी बोलूंगी। पुत्र टमाटर कम इस्तेमाल करना। नहीं मैंने बोल दिया बच्चों को टमाटर। हेलो हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पीपीपी बैंक। क्या मेरी बात मिस्टर प्रेम चोपड़ा से हो रही है? ओ अच्छा अच्छा, हमें बता बता कोई लोन की बढ़िया सी स्कीम बता, एक दो ट्रक और ले मारते हैं। गोली मारिए सर ट्रक नु। पहले ना मेरे को एक बार ही वो वाला डायलॉग बोलकर सुनाइए सर। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर तोड़ दूं। ओ यार दोस्त मेरे, मेरा नाम प्रेम चोपड़ा है। ना 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 सर, थोड़ा स्टाइल में सर, थोड़ा ठीक से बोलिए ना। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अच्छा अच्छा, तो पहले ना तू अजीत जी वाला डायलॉग बोल के बता, वो वाला सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, बोल बोल। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। सर अब आपकी बारी सर। यार हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। बहुत बोर करते हैं मम्मी जी, बहुत ही बोर करते हैं। ओ पापा जी, बोर करने से याद आया कि मैंने सारे दोस्तों को ना सरप्राइज पार्टी का बोल दिया है। सरप्राइज पार्टी? हाँ पापा जी, सरप्राइज पार्टी ही तो है औरों के लिए, किसी को पता ही नहीं है कि पार्टी ट्रक के लिए है। हाँ। पुत्र जी, इनको बाहर लेकर जाओ, ये यहाँ रहेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। मैं समझ गया। आप टेंशन ना लो मम्मी जी, आप टेंशन लो। पापा जी आओ, जरा थोड़ा कैट वॉक करके आते हैं। मॉर्निंग वॉक कर चुका हूँ। तो थोड़ी नून वॉक कर लेते हैं, सेहत बनी रहती है। बैंक जाना है मुझे, और सेहत अच्छी है मेरी, मॉर्निंग वॉक तुम कर लो पुत्र, समझे? कर लूंगा। पापा जी बड़ा दुखी हो गए हैं सच्ची, मैंने कही थी ना हम लोग बड़ा गलत कर रहे हैं। डोंट वरी प्रीति, शाम को खुश भी हो जाएंगे। हाँ, और बड़ा मजा भी आएगा। और की। नाइस वॉच सर, मेड इन स्विट्जरलैंड। वॉच की नहीं, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, घड़ी में 10:10 हो रहे हैं। Really? सर आपने कभी 10:10 पर गौर से घड़ी को देखा? ऐसा लगता है जैसे घड़ी आपको देखकर मुस्कुरा रही है। Shut up. Don't act funny. मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ऑफिस का टाइम 9:30 है, you know? I know sir. How you know? You don't know, I know. I am the boss, I will tell you. और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑफिस का टाइम 9:30 है। सॉरी सर, बट आई नो सर, सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं एवरी डे 9:30 आता हूँ। क्या बात है,
तुम्हारे करियर में मैंने आज तक तुम्हें कभी 9:30 पर आते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि तुम्हारी घड़ी में 9:30 बजते ही नहीं है, यू नो सर। व्हाट सर, जाओ जल्दी जाके प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, क्लाइंट से 11 बजे मीटिंग है। यस यस। गुड मॉर्निंग माय ऑल टाइम फेवरेट ऑल्टो। ये कलर ना तुम तो बहुत ठीक है। एंड माय लकी कलर ब्लू। आज तुम क्या शाइन कर रहे हो, क्या बात। ये कोई नया डेवलपमेंट है या तुम बचपन से ऐसे हो? नहीं सर, वो सच कभी कभी मुझे है ना पिया बेटी की बहुत चिंता होती है। ढूंढ बारी सर, मैं हूं ना पिया के साथ, इसलिए तो चिंता हो रही है। जाओ जाके क्लाइंट का प्रेजेंटेशन तैयार करो, आज तुम्हें घर भी जल्दी जाना है, तुम्हारे पापा का बर्थडे है, राइट? यस सर। सर आप आ रहे ना? बस हम कैसे नहीं आएंगे, अरे हमारे बगैर तो पूरी सरप्राइज अधूरी रहेगी, यू नो। आई नो सर। व्हाट यू नो? आई नो, आई एम द बॉस, आई नो। प्रेजेंटेशन। यस सर। ये बुकेज देखकर तो उन्हें याद आएगा कि आज मेरा बर्थडे है। घर में कोई नहीं है? अभी बाहर चले गए? अभी भी किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था कि किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। लेकिन पापा जी, ऑफिस में तो सभी को याद था ना, देखिए आपको इतने सारे बुकेज मिले। अरे अच्छा दिया, ऑफिस में भी किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं था। ये सारे बुके मैं खरीद कर लेके आया हूँ। वैसे थैंक यू सो मच, ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए। पापा जी सरप्राइज ये नहीं, सरप्राइज तो आपका बाहर इंतजार कर रहा है। आहा? यस पापा जी, चलिए आइए आइए आइए, चलिए ना आइए पापा जी। बताओ बेटा क्या, चलो तो सही। Happy returns of the day, Ahuja saab. Thank you very much, sir. Sir, nahin. Karan ka boss tum office mein hoon. Yahan par main Pia ka uncle hoon. Ye lijiye. Ye aapka birthday gift. The new Alto 800. You know? No. How will you know? I know. I will tell you. ये आपका बर्थडे गिफ्ट जो आपके परिवार वालों ने मिलकर खरीदा है खास आपके लिए।
ये है आपकी बेस्ट फैमिली कार, द ऑल्सो 800, यू नो. वी नो सर. हाउ डू यू नो? यू डोंट नो, आई नो. आई एम द बॉस एंड आई विल टेल यू. द ऑल्सो 800 छोटी कार में सबसे कंफर्टेबल, सबसे स्पेशियस और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस. एक बार ये ऑल्सो 800 आपकी जिंदगी में आ जाएगी ना, समझिए कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. पापा जी, आप हमेशा से चाहते थे ना कि हमारे पास एक कार हो. हाँ बेटा, लेकिन तेरी और करण की पढ़ाई का खर्चा, तुम्हारी शादी, फिर करण की शादी, बैंक में कई लोगों को कार के लोन दिलवाए लेकिन खुद की कार नहीं खरीद पाए. अब क्यों परेशान हो गए? अब दुखी ना हो, अब तो कार आ गई ना. हाँ, इतनी कार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? पापा जी, मम्मी जी ने जो थोड़े थोड़े करके पैसे बचाए थे उससे तो डाउन पेमेंट कर दीजिए. अरे वाह, पिया का नाम भी लीजिए ना. आपको पता है पिया ने अपनी सारी सेविंग बचा के दी है इस कार के लिए. और बची हुई EMI करण अपनी सैलरी से देने वाले हैं. और इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का खर्चा जीजाजी और प्रीति ने दिया है. और छठी यार, ये भी बताना जरूरी था. हाँ, जरूरत थी. मतलब सबकी मिली भगत है. हाँ चलिए पूजा करें. हाँ करण, ये नींबू मिर्ची भी ला ले यार, गड्डी को नजर नहीं लगेगी. ये ले. क्या कर रहे हो? चौका लगाओगे क्या मेरा नींबू मिर्ची से? हाँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं बोल रहा हूँ What happened? बहुत अच्छी है. हाँ, I know. Alto 800. वो पता है भाई. कौन बोल रहा है ये? चलो गाड़ी में बैठो, अपनी फैमिली को ड्राइव पर ले जाओ. Come on. Yes sir. आइए पापा जी. पहले सीट बेल्ट तो पहनो. अरे मैं बोल रहा हूँ ऑल्टो. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. कार कैसे बोल सकता है? तुम सच में बोल सकते हो?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.